प्याज के या बिना गार्लिक के तो सब्जी बनती ही नहीं है। ऊपर से पनीर की सब्जी वो तो स्वाद ही नहीं लगेगी। लेकिन मैं आज आपको बिना प्याज और बिना लहसुन की इतनी बढ़िया और स्वादिष्ट सब्जी बनाना सिखाऊंगी कि मेरा दावा है कि आप उस सब्जी को खाने के बाद लहसुन प्याज वाली सब्जी खाना भूल जाएंगे। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। आपको हलवाई स्टाइल शाही पनीर बनाना सिखा रही हूँ। ये सुपर टेस्टी और सुपर इजी है बनाने में। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई को गर्म किया है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। जब ऑयल हमारा हल्का गर्म हो जाएगा तो हमें इसमें थोड़ा जीरा और 1 पिंच हींग डालूंगी। मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि पनीर की सब्जी नो ऑनियन नो गार्लिक बन ही नहीं सकती। आज मैं आपको ये नो ऑनियन नो गार्लिक सब्जी बनाकर दिखा रही हूँ। जैसे ही हमारा छौंक तैयार हो जाएगा, मैंने गैस को बंद कर दिया है क्योंकि छौंक जल जाएगा। अब मैं इसमें देगी मिर्च डालूंगी 1 स्पून, चीनी डालूंगी थोड़ी सी, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ी लंबी कटी मिर्च डाल दूंगी, थोड़ी कसूरी मेथी के पत्ते हाथ से तोड़ के डाल दूंगी। कसूरी मेथी इसमें ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो रहने दीजिएगा डालना। और अब मैं इसमें 2 टमाटर मैंने पीस के रखे हैं ये डाल दूंगी। टमाटर डालने के बाद मैं गैस को चालू कर दूंगी और गैस को फ्लेम स्लो रखूंगी। को जलने से बचाने के लिए मैं इसमें 1-2 टेबलस्पून के आसपास पानी डाल दूंगी और इसको अभी मंदी गैस में हम भूनते रहेंगे करीब 2 से 3 मिनट। ये मसाला हमारा थोड़ा सा भून चुका है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून मावा डाल दूंगी जिसे मैंने थोड़ा सा माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था। ये मेरा घर का बनाया हुआ मावा है, इसलिए जम गया था, मैंने माइक्रोवेव कर इसे पिघला दिया है। ये देखिए मावा अच्छे से सब्जी में मिक्स हो गया है। ये एक टुकड़ा छोटा सा पनीर का जिसे मैंने हाथ से क्रश कर लिया, ये इसमें डाल दूंगी और 2 टेबलस्पून के आसपास दूध डाल दूंगी और इसमें हम एक उबाला आने देंगे। ये देखिए सब्जी में लो मीडियम फ्लेम में उबाल आते हुए करीब 1 मिनट हो गया। ये अच्छे से उबाल आ चुका है सब्जी में। अब ये 250 ग्राम पनीर है जिसे मैंने ऐसे क्यूब्स में काट लिया था, मैं ये इसमें डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट इसे हम पकने देंगे। सब्जी को 1 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी और हमारी ये झटपट सब्जी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत आसान, आप इसे मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। गैस को मैंने बंद कर दिया, आइए हम सब्जी को सर्व कर देते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ये सब्जी बनाइए और मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।